बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, जिनकी दमदार अदाकारी के कारण उन्हें दबंग गर्ल का टैग दिया हुआ है, उन्होंने कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में कुछ ऐसा किया जिसकी अब काफी सराहना हो रही है। सोनाक्षी ने लॉकडाउन में अपने पेंटिंग स्किल्स को और निखारा है। हाल ही में सोनाक्षी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को एक एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया। इस एग्जीबिशन में सोनाक्षी अपने भाई लव सिन्हा के साथ मौजूद थी। इस दौरान जब सोनाक्षी से बात की गई तो उनका कहना था, थोड़ा बहुत लॉकडाउन में बनाया, थोड़ा बहुत लॉकडाउन से पहले भी बनाया। एंड आई थिंक ये मुझ में स्केचिंग की आदत थी बचपन से ही। एंड आई थिंक आई टुक इट वन स्टेप फॉरवर्ड, मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे ही पेंट्स मेरे हाथ में आए, आप देख सकते हैं कि कितना सारे पेंट्स को कैनवस पे उतार दिया मैंने। एंड आई इट्स वेरी पीसफुल एंड कामिंग फॉर मी द होल एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मज़ा आता है पेंट करने में, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक इट। कुछ ऑनलाइन भी होगा ये तो अगर जी? ये हाउस ऑफ क्रिएटिविटी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत सारे आर्टिस्ट को के वर्क्स को प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ हमारे वर्क्स यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे और आर्टिस्ट भी हैं। एंड इन सबके इन सबका आर्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत आई थिंक द आर्ट कम्युनिटी को बहुत हिट पड़ा था। एंड आई थिंक फॉर देम इट्स अ प्लेटफॉर्म वे दे कैन जस्ट रीच आउट टू अ लॉट मोर पीपल। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इसके बाद जब सोनाक्षी से उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, फिल्मों की चर्चा हम बाद में करेंगे। INS रिपोर्ट।